गिडियान सपनों की उड़ान। ये कहानी है एक महान क्रांतिकारी की, जिसने भारत की आजादी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और मौत के नजदीक पहुंच गया, पर जीवित रहा। मगर उसे ये मौत मिली आजाद भारत में अपमान और तिरस्कार के रूप में। ये कहानी है क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की। 1928 में चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई में जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन हुआ, तो बटुकेश्वर दत्त भी उसके अहम सदस्य थे और कई क्रांतिकारी गतिविधियों में वो सीधे तौर पर शामिल हुए थे। अगले साल यानी 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में HSRA के सदस्यों ने कुछ बम धमाके किए, जिसकी आवाज़ न केवल देश के कोने कोने तक पहुंची, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत की ज़मीन भी थरथरा गई। मौके से भागने के बजाय इन क्रांतिकारियों ने पर्चे फेंके और इनकलाब के नारे लगाए। इसमें शामिल थे क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। दरअसल इन धमाकों का मकसद भी यही था, क्रांतिकारी बहरी ब्रिटिश हुकूमत तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते थे। खैर, मामले की सुनवाई हुई और बटुकेश्वर दत्त को काला पानी, जबकि भगत सिंह को एक अन्य मामले के साथ फांसी की सजा हुई। बटुकेश्वर फैसले से निराश हुए, काले पानी के बजाय उन्हें देश के लिए शहीद होना ज़्यादा मंजूर था। सजा के दौरान उन पर हुए अत्याचार ने अपनी सारी सीमाएँ लांघ दी। जेल में उन्हें टीबी की बीमारी हो गई। 1933 और 1937 में उन्होंने जेल में किए जा रहे अमानवीय अत्याचारों के खिलाफ दो बार भूख हड़ताल भी की। अखबारों में जब खबर छपी तो 1937 में उन्हें बिहार के बांकीपुर सेंट्रल जेल लाया गया, जहां से अगले साल वे रिहा कर दिए गए। अब एक तरफ टीबी की बीमारी और तमाम साथियों की शहादत से उपजा अकेलापन था, तो दूसरी ओर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। दुनिया को ये दिखाना है कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए मर ही नहीं सकता, बल्कि जीवित रहकर हर मुश्किल का सामना कर सकता है। इन सब से जूझते हुए दत्त बाबू ने आंदोलन में हिस्सा लिया और गिरफ्तार कर लिए गए, और 1945 में उन्हें जेल से रिहाई मिली। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, लोग खुशियां मना रहे थे, नई जिंदगी शुरू कर रहे थे। वहीं बटुकेश्वर दत्त के हिस्से में ये जिंदगी और आजादी अपमान के कुछ पन्ने जोड़ने की तैयारी में थे। शादी के बाद जब घर चलाने की बारी आई तो आजाद भारत में इन्हें नौकरी मिली एक सिगरेट कंपनी में एजेंट की, जिसके लिए पटना की सड़कों पर इन्हें धूल फांकनी पड़ी। बाद में जब बिस्किट और डबल रोटी की एक फैक्ट्री लगाई तो उसमें घाटा हुआ। फैक्ट्री बंद हुई तो टूरिस्ट एजेंट और परिवहन विभाग की भी नौकरी की। अब जिक्र उस वाकये का जो किसी का भी दिल तोड़ने के लिए काफी था। घटना 60 के दशक की है। पटना में बसों के परमिट दिए जाने थे। दत्त बाबू इस सिलसिले में अपने परिचय के साथ पटना के कमिश्नर से मिले, तो कमिश्नर ने उनसे स्वाधीनता सेनानी होने का प्रमाण पत्र मांगा और बिना इसके उन्हें स्वाधीनता सेनानी मानने से इनकार कर दिया। मैं क्रांतिकारी हूँ, मुझे बस का परमिट चाहिए। सबूत का है ये तुम ही हो? ये हमारी फोटो है अखबार में भगत सिंह जी के साथ। 1964 में दत्त बाबू बीमार पड़े तो उन्हें पटना के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर वहां उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। सत्ता के गलियारों में जब यह खबर फैली तो आनन फानन में उन्हें दिल्ली लाया गया। यहां पता चला कि उन्हें कैंसर है। 20 जुलाई 1965 को बटुकेश्वर दत्त ने उस आजाद भारत में अंतिम सांस ली जिसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। मगर आजाद भारत इस बात पर हमेशा शर्मिंदा होता रहेगा कि जब बटुकेश्वर दत्त से उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने अपने मित्र भगत सिंह की समाधि के बगल में मात्र 2 गज जमीन मांगी।